जय जसु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार आप सभी लोगों को बड़े प्यार से फादर अभिवादन करते हैं। हालेलुया। बाइबल तीर्थ यात्रा के आज 117वां दिन की व्याख्या हम सुनेंगे। आज हम बाइबल का और एक नए पुस्तक में प्रवेश कर रहे हैं, पहला इतिहास ग्रंथ। इतिहास ग्रंथकार के विषय में अभी तक अधिक सूचना इस शास्त्रियों को नहीं मिले हैं, किंतु ज़्यादातर लोग ये विश्वास करते हैं, भले ही उसके बारे में अधिक सबूत नहीं है, कि विश्वास यह है कि यस्रा ने ये इतिहास ग्रंथ की रचना की है। कोई भी हो जिसने इसकी रचना की है, वो अपने पास जो भी दस्तावेज उनको प्राप्त था, शायद आधिकारिक हो या अनौपचारिक दस्तावेज हो, उसको सूक्ष्म दृष्टि से पढ़ने के बाद इतिहास को एक विशेष उद्देश्य के साथ प्रस्तुत किया है। जब मैं कहता हूँ एक विशेष उद्देश्य, उसकी एक परिप्रेक्ष्य, एक पर्सपेक्टिव कुछ अलग था। देखिए, इतिहास ग्रंथ में जो भी बातें हम पढ़ते हैं, उसमें ज़्यादातर चीज़ें हम सामुएल के पुस्तक में और राजाओं के पहला ग्रंथ दूसरा ग्रंथ में सब पढ़े हैं, देखे हैं, किंतु इतिहास ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसको एक विशेष मकसद के साथ प्रस्तुत किया गया है। वो क्या है? हालेलुया। इतिहास ग्रंथ की रचना तब हुई है जब इसराइली, जब प्रभु के लोग, यहूदी लोग निर्वासन से, बाबुल के निर्वासन से वापस आने के बाद ही इसकी रचना हुई है। ये बात सारे ईश शास्त्रीय माना है, स्वीकार किया है। तो निर्वासन से आने के बाद इसराइलियों के मन में, प्रभु के लोगों के मन में जो बात प्रभु चाहता था कि वो बनी रहे, इसराइली कभी ना भूले, उन बातों को इतिहास ग्रंथ में जोर दिया गया है। उदाहरण के लिए आज्ञाकारिता का महत्व, जिसके द्वारा ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, और मंदिर और आराधना और पुरोहिताई का महत्व, और सबसे महत्वपूर्ण दाऊद के घराने के साथ प्रभु ने जो प्रतिज्ञा की है, वो प्रतिज्ञा की जरूर पूर्ति होगी, ये विश्वास दिलाना। इसलिए इतिहास ग्रंथकार दाऊद के घराने से विशेष लगाव रखता है। इसलिए पहला इतिहास ग्रंथ में पूरा दाऊद का जीवन है। बीते दिनों में सामुएल के पुस्तक में हम दाऊद के जीवन के विषय में जो भी बातें देखे हैं, उनमें कुछ बातें यहाँ पर जो रखा है और कुछ बात जो वहाँ पर नहीं है उसको भी यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन कुछ बातें जो वहाँ पर सामुएल के ग्रंथ में हम देखते हैं उसको यहाँ पर छोड़ दिया है। उदाहरण के लिए दाऊद ने बेतशबा के साथ जो पाप किया था, वो सारी बातें यहां पर छोड़ दिया। हालेलुया। शायद ही है उद्देश्य कि वो दाऊद के घराने में आने वाले, दाऊद के वंश में पैदा होने वाले मसीहा के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं। जब निर्वासन से वापस आए, तब इसराइल में राजा नहीं था, यानी यूदा के लिए कोई राजा नहीं था, प्रभु के लोग राजा से वंचित थे वापस जब आए, किंतु प्रभु ने दाऊद के वंश के साथ एक वादा किया था कि उनके वंश में एक ऐसा राजा हमेशा बना रहने वाला राजा होगा, दाऊद के वंश में एक ऐसे राजा होगा जो
इज़राइल में हमेशा शासन करेगा, इसलिए तुम्हारे वंश का अंत नहीं होगा, प्रभु ने वादा किया है। इसलिए इतिहास ग्रंथकार इज़राइली जब वापस आए उनको ढारस बंधाना चाहा कि जरूर दाऊद के घराने में राजा आएगा, उसका वंश समाप्त नहीं होगा। इस बात को बताने की कोशिश वो कर रहे हैं इन दोनों इतिहास ग्रंथों में, पहला ग्रंथ और दूसरे ग्रंथ में। इसलिए दाऊद के घराने को महत्व मिलता है, दाऊद के घराने में जितने भी राजा आए हैं उनके विषय में ज़्यादातर अच्छी बातें हमको यहाँ पर सुनने को मिलते हैं। हालेलुया। और जब देश का विभाजन हुआ इज़राइल और यूदा, तो इज़राइल में जितने राजा आए उसको सब हम लोग राजाओं के ग्रंथ में देखे हैं, उनकी बातें सब यहाँ पर छोड़ दें। इतिहास ग्रंथकार को दूसरे वंश में जितने भी राजा आए उनसे ज़्यादा मतलब नहीं, वो यहाँ पर दाऊद के घराने, दाऊद के वंश उसमें आए हुए राजाओं के विषय में हमको फिर से बताते हैं, मतलब तैयार कर रहे हैं एक प्रकार से, दाऊद के वंश में राजा आएगा मसीहा। हालेलुया। और यहाँ पर काफ़ी वंशावलियाँ हमको पढ़ने को मिलता है, जैसा कि आज पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में कई नाम पढ़ पढ़ कर हम लोग थक जाते हैं और सोचते हैं ये सब क्यों लिख कर रखा है, ये वंशावली का कुछ महत्व है। हालेलुया। महत्व यह है कि प्रभु इन वंशावलियों के द्वारा हमको ये बताना चाहते हैं कि वास्तव में इतिहास के ऊपर किसका अधिकार है, प्रभु। इतिहास की रचयिता जो है प्रभु है, द ऑर्डर ऑफ हिस्ट्री, कुछ भी बाई चांस नहीं है। हालेलुया। आए हुए एक एक व्यक्ति के जीवन के बारे में हिसाब होता है, उनके परिवार का हिसाब रहता है। दाऊद के खानदान में आए हुए हर एक व्यक्ति की बातें जब हम पर बताते हैं, प्रभु हमको ये प्रकट करना चाहते हैं, जैसा कि आदम से लेकर दाऊद तक और उसके बाद दाऊद के खानदान की बातें सब बताए हुए, इससे प्रभु ये प्रकट करना चाहते हैं कुछ भी इत्तेफाक नहीं में नहीं है। जो भी बुराई की बातें हुई यहाँ पर लिखे हुई, अनेक लोग जो है बहुत गलत कार्य कर चुके हैं, पापमय जीवन बिताए, लेकिन उन सभी लोगों को प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके द्वारा पीढ़ियां जब आती है और उनमें काफ़ी बुराइयां होती है, उसके बावजूद प्रभु किस तरह उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। इतिहास के ऊपर प्रभु का अधिकार, कुछ भी इत्तेफाक नहीं है। और परिवार किस तरह जुड़े हुए हैं दूसरे लोगों से और प्रभु किस तरह एक एक व्यक्ति को इस्तेमाल करते हैं, और इतिहास में पुरोहितों का महत्व, लेवियों का महत्व और अन्य सेवा करने वाले लोगों का महत्व, और प्रभु कुछ भी भूल नहीं जाते हैं, सब लिखा हुआ है, अंकित है, किताब में अंकित है जो भी बातें। हालेलुया। इसलिए ये वंशावली एक ऐसी बातें, एक ऐसा संदेश हमारे पास लेके आते हैं कि प्रभु सब कुछ देखता है और अतीत की बातें समाप्त नहीं हैं, यूं ही चली नहीं गई है, और जो भी बातें हुई है उसको सब प्रभु किसी न किसी रीति से इस्तेमाल किया है, और पिछले दिन प्रभु ने जो भी वादा किया है वो वादा को पूरा करने के लिए प्रभु कैसे अलग अलग लोगों को इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग वंश को, कुल को, परिवार को, लोगों को इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये सारी बातें हमारे सामने प्रभु प्रकट करते हैं। तो आइए, इतिहास ग्रंथ के सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो दाऊद के वंश में आने वाले मसीहा के विषय में हमको बताना चाहते हैं, उसके लिए हम लोगों को तैयार कर रहे हैं, और इसलिए
एक एक अध्याय में हम लोगों को ये बताया जाता है कि कुछ भी जो कुछ भी हुई है वो सारी बातें व्यर्थ नहीं हैं, बल्कि उसका कुछ अर्थ है। इसलिए हम लोग देखेंगे एक एक घटना जुड़ी हुई है एक दूसरे से, एक दूसरे से कैसे कैसे जुड़ी हुई है, प्रभु किस तरह काम कर रहे हैं, कुछ बुराई हुई उसको भलाई में कैसे बदलता है और भलाई को अधिक भलाई में आने वाली पीढ़ियों में कैसे बदलते, एक पीढ़ी में गलती हो जाती है, कमी हो जाती है, उसको सुधारने के लिए नई पीढ़ी में प्रभु किस तरह कुछ अच्छे लोगों को लेके आते हैं और कृपा उनको देते हैं। पुराना विधान है आत्मा का अभिषेक उतना, मतलब आत्मा लोगों में नहीं रहते थे, आत्मा का अभिषेक नहीं रहते थे, प्रभु येसु के आगमन के पहले की बात है। किंतु येसु के दुख भोग एवं मृत्यु की योग्यता पिछले पीढ़ियों को भी प्रभु दे रहे हैं अपनी दया और करुणा के कारण। येसु के दुख भोग की योग्यता जैसे हम लोगों को मिल जाती है 2000 साल के बाद, उसी तरह येसु के आगमन के पहले भी लोगों को येसु के दुख भोग एवं मृत्यु की योग्यता से आशीर्वाद मिल रहे हैं। मतलब येसु की कृपा केवल आगे को नहीं बहती है, पिछले पीढ़ियों में भी बहती है। हालेलुया, येसु को देखते हुए लोगों को कृपा मिल रही है उस समय, ये एक बहुत सुंदर बात है। मैं भले ही उसको प्रकट करने में तकलीफ महसूस करता हूँ, किंतु आने वाले दिनों में हम देखेंगे जैसा कि इतिहास ग्रंथ पढ़ते समय हम लोगों को अधिक ये बातें समझ में आएंगे। प्रभु को धन्यवाद, हालेलुया। अब हम स्तोत्र संख्या 128 पे है। स्तोत्र 127 की तरह ये स्तोत्र भी एक पारिवारिक स्तोत्र है, परिवार के लिए कुछ विशेष बातें प्रभु बताते हैं। मुख्य बात यह है प्रभु ये शिक्षा देते हैं कि परिवार की उन्नति ईश्वर की कृपा पर निर्भर है, मनुष्य की मेहनत पर नहीं। हालेलुया। वो कृपा प्राप्त करने के लिए दो चीजों की जरूरत है, प्रभु पर श्रद्धा, उसके मार्ग पर चलना। प्रभु पर श्रद्धा और आज्ञाकारिता, उसके मार्ग पर चलना, उससे चार आशीर्वाद प्राप्त होती है। ये स्तोत्र को बताते हैं। पहला आशीर्वाद है मेहनत जो है फल लाएगा। कुछ लोग है बहुत मेहनत करता है उससे फल नहीं होता है, बहुत काम करता है उन्नति नहीं होती है। यहाँ पर पहला आशीर्वाद, तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्व जीवन बिताते हो, काम करने के लिए क्षमता मिलेगी, तंदुरुस्ती, स्वास्थ्य अच्छा होगा और जो भी काम करेंगे उससे आपको फल होंगे, यानी संपत्ति के क्षेत्र में उन्नति। और दूसरी कृपा क्या है, आपके रिश्ते आशीषित होंगे, परिवार की सारी रिश्ताएं, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दाखलता की तरह फलती फूलती है, संतान जैतून की टहनियों की तरह चौके की शोभा बढ़ाती है, यानी पति पत्नी की रिश्ता, बच्चों के साथ आपके रिश्ता, अच्छे माता पिता के साथ आप रिश्ता, सब अच्छे होंगे, अच्छी रिश्ता है। अनेक परिवार की रिश्ताएं सही नहीं है, रिश्ता टूटती, इसलिए प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ो, आपके एक दूसरे के साथ रिश्ता सही होंगे। आज अनेक लोगों की रिश्ता खराब होने की, परिवार में रिश्ता क्यों खराब है, प्रभु के साथ रिश्ता नहीं है। हालेलुया। प्रभु पर श्रद्धा कम है, उनके मार्ग क्या है खोजते नहीं, उनके रास्ते पे चलने के लिए कोशिश नहीं करता, इसलिए बाकी सारी रिश्ताएं टूटती। आज मनुष्य रिश्ता जोड़ने के लिए कितना कोशिश कर रहे हैं, सब लोग रिश्ते के पीछे सोशल मीडिया के द्वारा, लेकिन सब बेकार। जब तक आपकी रिश्ता प्रभु के साथ सुदृढ़ नहीं है, पारिवारिक रिश्ता सुदृढ़ नहीं होंगे, इसलिए डिवोर्स जो है क्या है शादी टूटते जा रहे हैं, अनेक लोग डाइवोर्स लेते जा रहे हैं। ये सब कारण क्या है, वास्तव में असली कारण प्रभु के साथ रिश्ता सही नहीं है। तीसरी कृपा जो है कि प्रभु कहता है तुम अपने पौत्रों को देख सकोगे, लंबी आयु, संरक्षण प्रभु देगा जीवन में,
तो लंबी आयु तक जीने की कृपा देते हैं। चौथी कृपा, जीवन भर यरूशलेम का कुशल मंगल देख सकोगे। यरूशलेम, अब हमारे लिए यरूशलेम जो है कलीसिया है, तो आप जहाँ पर रहते हैं आपकी कलीसिया जो है उन्नति प्राप्त करेंगी। एक व्यक्ति, उसका परिवार और कलीसिया। तो एक व्यक्ति जब प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, उनके परिवार पे आशीर्वाद आते हैं, वो आशीर्वाद कलीसिया पे दिखाई देगा। इसलिए कलीसिया की उन्नति मतलब विश्वास करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेंगे और कलीसिया में संस्कारों के जरिए आपको कृपा आपके आपके परिवार की ओर बहती रहेगी और कलीसिया के साथ आपकी रिश्ता अच्छी होगी। यानी गिरजा जाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, पाप स्वीकार करने के लिए, परम प्रसाद स्वीकार करने के लिए सब आपका उत्साह और आपकी वो रिश्ता बहुत सुंदर एक रिश्ता होगी कलीसिया के साथ। ये सारे आशीर्वाद एक भक्त को मिल जाते हैं जब वो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। हालेलुया। अब हम संत पौलुस के एफेसियों के नाम लिखे पत्र के अध्याय 2 में हैं। पिछले दिन हमने देखा इस पत्र को किस तरह हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला 3 अध्याय पहला भाग है, वहां पर संत पौलुस के द्वारा प्रभु हमको बताते ईसा मसीह में पिता ने हमारे लिए क्या किया, हमारा स्टेटस क्या है, हमारे जीवन को क्या बनाकर रखा है, हमारे साथ पिता ने क्या किया यीशु के द्वारा। हालेलुया। और दूसरे भाग में हमारे इस बुलावे के कारण, इस बुलाहट के कारण हमको व्यावहारिक जीवन में क्या क्या बदलाव लानी चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोगों को किस तरह व्यवहार करनी चाहिए, क्योंकि पिता ने हमारे लिए यीशु के द्वारा जो महान कार्य किया उसके कारण हम लोगों में क्या बदलाव आनी चाहिए, वो दूसरे भाग में। आज हम चैप्टर 2 में हैं, तो यहाँ पर प्रभु दो बातें हमारे सामने संत पौलुस के द्वारा रखते हैं सिद्धांत के तौर पर, यानी डॉक्ट्रिनल इश्यूज है। पहली बात यही है कि हमारा उद्धार हमारे कुछ कर्म के कारण नहीं, बल्कि पिता ईश्वर अपनी असीम दया के कारण ईसा मसीहा के दुख भोग एवं मृत्यु के द्वारा हम लोगों को मुफ्त में मुक्ति दिया है। वचन 4 से, परंतु ईश्वर की दया अपार है, हम अपने पापों के कारण सब मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया, उसने ईसा मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठाया। कहां पर? स्वर्ग में बैठाया, बैठाएंगे नहीं, बैठाया, हम वहां पर है। ये हमें अनुभव करना है हमारा उद्धार। हम मामूली आदमी नहीं है, हमारा उद्धार हमारे कुछ पुण्य कर्मों के कारण नहीं हुई। इसलिए एक महत्वपूर्ण वचन जो बहुत ज़्यादा जगह में बहुत सारे लोग बताते हुए हम सुनेंगे, वो इस अध्याय में है, वचन 8 और 9, अध्याय 2 वचन 8 और 9, बहुत ज़्यादा कोट किया हुआ वचन है। उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है, ये आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, यह तो ईश्वर का वरदान है, ये आपके किसी कर्म का पुरस्कार नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई उस पर गर्व करे। इसलिए यह नहीं सोचना हम सब मेहनत करके उपवास करने के कारण, रोसरी करने के कारण ही हमारा उद्धार होता है, नहीं है। यह सब प्रभु का कार्य है, उसकी दया है। ईसा मसीहा में पिता ने हम लोगों को हमारा उद्धार ऑलरेडी किया है, यह हमारा पुण्य कर्म के कारण नहीं, प्रभु ने किया। तब आप पूछेंगे तो पुण्य कर्म नहीं करना है क्या? अच्छा कार्य, प्रार्थना करने के लिए मेहनत करते हैं, रोजरी करने के लिए, चर्च गिरजा जाने के लिए, पाप स्वीकार करने के लिए, उपवास करने के लिए, पाप छोड़ने के लिए, सब हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो सब बेकार में? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर वो सब हमारे लिए पिता ने ईसा मसीह में जो कार्य किया है उसके फलस्वरूप हम लोगों को ये पुण्य कार्य करना है। मतलब हम लोग जो भला कार्य करेगा उसके कारण नहीं मुक्ति, मुक्ति प्राप्त करने के कारण हम लोगों को भला कार्य करना है। हालेलुया। इसलिए वो 10वां वचन, ईश्वर ने हमारी रचना की, उसने ईसा मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की,
जिससे हम पुण्य के कार्य करते रहे और उसी मार्ग पर चलते रहे जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। इसलिए हमारा पुण्य कार्य भी हमारा नहीं है, बल्कि ईश्वर हमारे लिए देता है। जितना मैं, उदाहरण के लिए, मैं अभी यहाँ पर भला कार्य कर रहा हूँ, आपको वचन सुनाता हूँ, ये मेरा कार्य नहीं है, मेरे लिए पिता ने ईसा मसीह में तैयार करके दिया है, आपको करना है बोलकर, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। हालेलुया, आपको समझ में आ रही है इसमें बात? मेरे लिए अभी गर्व करने की कोई भी बात इसमें नहीं है कि मैं यह सब कर पा रहा हूँ। मैं सुबह से तैयारी करता हूँ और इंग्लिश में करता हूँ और हिंदी में देता हूँ और वचन सब सबको सुनाता हूँ, कई लोग इसको पढ़ पाते हैं, मुझे गर्व करने के लिए कुछ ही नहीं है। हालेलुया, पिता ने ईसा मसीहा द्वारा मुझे बचाया, मुझे चुना और एक कार्य मुझे सौंपा जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया। इसलिए हम जो भी भला कार्य करते हैं उसके लिए हमें गर्व करने के लिए नहीं है, बल्कि पिता को धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि ये पिता ने हमको सौंपे कार्य है। और दूसरी बात, वचन 11 से 22 तक वहाँ पर हमको बताया गया है कि हम सभी लोगों को ईसा मसीहा ने एक बनाया। हम शायद यहूदी हो या यूनानी हो, हम लोग सब खतना किए हुए लोग नहीं, यानी पुराने विधान में इसराइलियों को प्रभु ने चुना, हम उनमें नहीं थे। हम जानते हैं हम दाऊद के वंश में या पुराने विधान में ईसा या इसराइल के हिस्सा हम लोग नहीं थे, वे सब यहूदी है, अब इसराइल में रहते हैं, हम ऐसे नहीं थे। फिर भी हम लोगों को प्रभु ने नए इसराइल में भागी बनाया। हालेलुया, वचन 14, क्योंकि यीशु जो है वही हमारी शांति है, उन्होंने यहूदियों गैर यहूदियों को एक कर दिया है, दोनों में शत्रुता की जो दीवार थी उसे उन्हें गिरा दिया है और अपनी मृत्यु द्वारा विधि निषेधों की संहिता को रद्द किया है। इस प्रकार उन्होंने यहूदियों तथा गैर यहूदियों को अपने से मेल कर एक नई मानवता की सृष्टि की और शांति स्थापित की है। इसलिए अब हम कोई भी भाषा के हो, कोई भी जाति के हो, पहले हम चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई, कुछ भी हो, जब हम ईसा मसीहा में आते हैं, प्रभु हम लोगों को एक बनाते हैं। हालेलुया, अब हमारे बीच में भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, तुम छोटे हो हम बड़े हैं ये भाव नहीं है, हम ज़्यादा प्रार्थना किया या हम पहले से ईसाई है तुम कल ईसाई बने हो, बिल्कुल नहीं है। आज आने वाले को भी, 100 साल पहले आने वाले को भी, सब प्रभु एक बनाया, हम सब प्रभु में, प्रभु के शरीर में एक बन जाते हैं, एकता, यीशु हमारी शांति है। इसलिए अब एक दूसरे में, पहले लड़ने वाले लोग सब ईसा मसीह में एक हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारी शांति है। इसलिए हमको अपने को ज़्यादा महत्व देने के लिए और किसी को तुच्छ समझने के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ईसा मसीहा में हम सब एक है। यीशु ने जो कार्य, पिता ने ईसा मसीह में जो कार्य हमारे लिए किया, हम सभी लोगों के लिए किया। जैसे इसराइलियों में जितने लोगों को प्रभु चुनकर अपनाया, संत पौलुस को प्रभु बुलाया, पेत्रुस और अन्य शिष्यों को प्रभु ने बुलाया, उसी तरह हम लोग भी भागी बन जाते हैं, एक हो जाते हैं। इसलिए हमारे विषय में संत पौलुस ये कहते हैं कि हमारी योग्यता ईसा मसीहा ही, वो हमारी शांति है। इसलिए हम लोग अभी परदेशी या प्रवासी नहीं, वचन 19, बल्कि संतों के सह नागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। संतों के सह नागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य, इसलिए हम छोटे नहीं। अब हम लोगों को एक विश्वासी होने के कारण हम में प्रभु ने जो कार्य पूरा किया, इसकी योग्यता जो है स्वर्ग तक ऊंचा है, स्वर्ग तक ऊंचा है। ये हमारी संपत्ति पर निर्भर नहीं है, हमारे अच्छे कर्म पर निर्भर नहीं है, स्वर्ग तक हमको चढ़ाया है। इसलिए प्रभु में जो कार्य पिता ने हमारे लिए किया, उसकी योग्यता को हम नाप नहीं सकते। ये हमारे भले कर्म के अनुसार नहीं है, बल्कि ईश्वर की असीम दया पर निर्भर है।
हालेलुया। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी लोगों के साथ बनी रहे अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।